नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं मंगलवार वीरवार, वैसे ये बहुत हैवी दिन है, भारी दिन है। रविवार भारी दिन है, वीरवार गुरुवार भारी दिन है, मंगलवार भारी दिन है। लेकिन ये जो ग्रह है, जैसे मंगलवार है, गुरुवार है, रविवार है, यदि ये ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, दुनिया में आप नाम कमाते हैं। आप देखना दोस्तों, यदि आपके मंगल मजबूत है, आपके घर में आपकी एक अलग ही जगह होगी, बहुत ही रिस्पेक्टेबल। आप कहीं जाएंगे समाज में, कहीं पर भी आपकी जो जगह है बहुत ही अच्छी होगी, लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे मन से। आपके अंदर एक पावर होगा, कायरता बिल्कुल भी नहीं होगी। जो भी लोग साहसी हैं, ज्यादा जो लोग एडवेंचर करते हैं, आप देखना उनके मंगल बहुत मजबूत होते हैं। जो लोग आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, इनके मंगल बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और ये सफल भी ज्यादा होते हैं। मंगलवार हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, मंगलवार मंगल देव से जुड़ा हुआ है, मंगल जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। यदि आपके मंगल मजबूत है तो आपका सब तरफ मंगल ही मंगल होता है ना? दोस्तों, यदि हर मंगलवार आप इस उपाय को करते हैं, आपकी आपको लाइफ में सफलता ही सफलता मिलेगी। शत्रु कभी आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देख पाएगा, कोई भी विरोधी शक्ति आपके सामने हावी नहीं होगी, आपका सामना करना नहीं चाहेगी। जो लोग हर मंगलवार इस क्रिया को करना ना चाहते हो, वे लोग किसी भी एक मंगलवार, जो मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप 108 बार बोल लें। दो लौंग, गुड़ और घी किसी कंडे पर, उपले पर रख करके आप हनुमान जी के सामने जला दें। इस मंत्र को 108 बार आप बोलने के बाद इन तीनों चीजों को आप हनुमान जी के सामने जला दें। समझिए, ये सिद्ध हो गया हमेशा के लिए। फिर आपको हर मंगलवार इसको करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब भी आप कहीं पर भी मुसीबत में हैं, आपको कोई विरोधी शक्ति घेर रही है, आपको ऐसा लगता है आप कहीं परेशान हो रहे हैं, आपको किसी की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, चाहे किसी भी प्रकार की मदद हो, आपको मदद की आवश्यकता है, आप इसे सिर्फ 5 बार बोलें। आप देखेंगे कितना भी बड़ा भूत प्रेत पिशाच जिन आपका सामना नहीं कर पाएगा। आप इस उपाय को करके देखें। जो लोग मंगलवार के दिन सिद्ध ना कर पाए हो, वे लोग हर मंगलवार को ज्यादा नहीं तो 21 बार 11 बार इस मंत्र को बोले और दो लौंग, गुड़ और घी की आहुति हनुमान जी के सामने देना शुरू कर दें। मंगलवार मंगलवार आपको इस उपाय को करना है, ठीक है? और जिस तरीके से मैंने बताया 108 बार करके, यदि आप इसको सिद्ध कर लेंगे तो हमेशा के लिए ये शक्ति आपके साथ रहेगी। हनुमान जी का ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसमें अंगद, आप सबने सुना होगा दोस्तों रामायण में, अंगद का पांव जो है, जब इंसान बहुत ही ताकत से, बहुत ही डिटरमिंड होकर के कहीं पर पांव आगे बढ़ा देता है और पीछे नहीं हटता है, तो इंसान कहता है इसका पांव अंगद का पांव है, ये पीछे नहीं हटेगा। अंगद ने जब रावण की सभा में अपना पांव भट सभा में बीच में जमा दिया था, तो उस पांव को रावण भी हिला नहीं सका था, है ना? तो इसमें आपको अंगद का ही नाम लेना है। आप इसे बड़े ध्यान से सुन ले। जब भी आप आधी रात को भी कहीं फंस गए हैं, आपको लगता है आप विरोधियों के बीच में हैं, आपको लगता है आप कोई बुरी शक्तियों के बीच में हैं, आप इसको बोले सिर्फ 3 बार और ताली बजा दें। ताली बजा करके अपने सिर पर ऐसे हाथ एक बार घुमा दें। रिजल्ट देखेंगे आप दोस्तों, बहुत जबरदस्त आएगा। मंत्र है, हनुमान अंगद रण गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भागे। हनुमान अंगद रण गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भागे। बराबर दोस्तों, बहुत ही पावरफुल मंत्र है ये।
यदि घर में कोई बच्चा हो, घर का कोई मेंबर हो, बीमार है, आपको लगता है कोई ऊपरी बाधा इसको परेशान कर रही है, तो आप ग्लास में पानी ले लें। मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, यदि आपने इसको सिद्ध कर रखा है, आप स्वच्छ जल ले लें और अपनी लास्ट वाली उंगली में डुबो दें और 21 बार इस मंत्र से पानी को अभिमंत्रित करके आप बीमार व्यक्ति को या जो भी भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति है उसे आप पिला दें। रिजल्ट दोस्तों आप देख करके सच में दंग रह जाएंगे। कैसा भी व्यक्ति होगा तुरंत ठीक हो जाएगा। यदि ऊपरी बाधा उसको परेशान कर रही है तुरंत ही आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इस मंत्र के द्वारा दोस्तों यदि आप भभूत को आप अपने घर में अगरबत्ती लगाए पूजा स्थान में और इस मंत्र को आप बोले बोलते रहे और उसमें से भभूत को आप गिरने दे, किसी पात्र में आप उस भभूत को ले लें, उसकी पुड़िया बना करके आप अपनी जेब में रखें, कभी कोई भी बुरी शक्ति आप पर अटैक नहीं करेगी। इस भभूत का तिलक यदि आप अपने सिर पर लगाते हैं या अपने परिवार के मेंबर्स के सिर पर लगाते हैं, कभी कोई भी बुरी शक्ति उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। साधारण भभूत जो पूजा स्थान में गिरी हो, अगरबत्ती से, धूप बत्ती से आप उसे लेकर के 21 बार इस मंत्र से आप उसको यदि अभिमंत्रित कर लेते हैं और फिर इसका यूज करते हैं तो भी ये चीज बहुत ही पावरफुली काम करेगी। इस मंत्र में ही इतनी शक्ति है कि आप जिस चीज को इस मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं वो चीज पावरफुल हो जाती है। ठीक है, तो करके देखें, करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।